रोज रोज नाश्ते में क्या नया बनाया जाए, कई बार यही सोच करके हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड की बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिससे नाश्ता झटपट बन जाएगा और सबको पसंद भी बहुत आएगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखेगा और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप। फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए हमें चाहिए ब्रेड का पूरा एक पैकेट, यहाँ पर मैंने ले लिया है। मिक्सी का एक जार ले लें और इस जार में हम ब्रेड के टुकड़े छोटे छोटे करके डाल देंगे। अगर आपने इस तरीके से ब्रेड आलू का नाश्ता नहीं बनाया है तो एक बार घर पर इसे ज़रूर ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आपके घर पर ये नाश्ता है तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। देखिए इतने बड़े बड़े टुकड़े करके मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसे हम बारीक फाइन पीस लेंगे। तो इसे हमने पीस लिया है और आप देखिए इतना बारीक इसको पीस करके मैंने बना लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में पलट लेंगे। तो ब्रेड को मैंने दो बार करके पीस लिया है, एक बार पहले और एक बार ये अभी, और ये पीस गया है। इसे साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ मटर के दाने आधा कटोरी। तो एक मिक्सी का जार लेंगे और ये मटर के दाने इसमें डाल करके इसे हमें बारीक पीस लेना है। ये देखिए हमारे जो मटर है ये भी मैंने पीस लिए हैं। इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरी में, इसे भी हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आलू, एक बड़े साइज का मैंने आलू लिया है। इसे हमें ग्रेटर से बारीक पीस लेना है। तो आलू को पानी में इसे घिसना है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आलू पूरा ही घिस लिया है और आलू को हमें तीन बार पानी से धो लेना है। तो इसे मैं तीन बार पानी से साफ धो लेती हूँ। ऐसे ऐसे निचोड़ लेना है और निचोड़ करके रख लेना है। ये देखिए इस तरह से आलू का पानी पूरा हम निचोड़ देंगे और इस तरह से निचोड़ के रख लेंगे। ये आलू को मैंने धो लिए हैं और अच्छी तरह से निचोड़ कर ले लिया है। ये देखिए, और इसे हम एक बाउल में, मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और इसको जो है अच्छे से खोल लेंगे। ये देखिए इसमें हम डाल देंगे हरे मटर के दाने जो हमने बारीक पीस करके रखे थे, ये डाल देंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे एक टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने, इसे ये डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। यहाँ पर मैंने आधे प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तीन से चार हरी मिर्च है बारीक बारीक चॉप की हुई, ये डाल देंगे। और हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, ये मेरा छाया में सुखाया हुआ हरा धनिया है। मैं अक्सर हरे धनिया को छाया में सुखा कर रखती हूँ, ये डाल देना है। अब इसमें हम मिलाएंगे मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। और साथ में इसमें हम डालेंगे एक से दो पिंच के करीब हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, कुटी हुई सूखी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, नमक स्वाद के अनुसार। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं सभी चीज़ों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ब्रेड का चूरा, ब्रेड क्रम्स जो हमने ब्रेड पीस कर रखे थे, ये डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल लेती हूँ क्योंकि बाउल मेरा थोड़ा सा छोटा है और चीज़ ज़्यादा है, तो मुझे डालना तो पूरा ही है पर मैं थोड़ा थोड़ा करके मिला लूँगी इसमें। बाकी का बचा भी इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे एक ब्रेड का पैकेट जो है पीस करके इसमें डाल दिया है। इसमें हमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब्जी में जो है मॉइस्चर होता है और ब्रेड में भी नमी है, तो इसी में ये आटे की तरह गूंथकर तैयार हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट डो की तरह हो जाएगा तो हाथों में थोड़ा तेल लगाएं। इस ब्रेड और आलू से तैयार मिक्सचर से छोटे छोटे से पोर्शन लेके बॉल्स की तरह बना लें। आप इसे गोल शेप दे सकते हैं या फिर लंबे भी, आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। तो आप इसे लेकर हथेली के बीच ऐसे गोल गोल शेप देते हुए गोल कर लें और फिर इस तरह से इसको लंबे शेप में रोल करते हुए बना लें। इसके दोनों साइड से हल्का सा प्रेस कीजिए और इसे शेप दे दीजिए। ये देखिए इस तरह से मैं इसे फिंगर ब्रेड रोल की तरह बना रही हूँ। तो इस तरह से बना बना कर इसे हमें प्लेट में रखते जाना है। इसी तरह से हम बाकी के फिंगर ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखें मैंने यहाँ पर इसे बना लिया है और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब यहाँ पर मैं फिंगर ब्रेड रोल्स को दे रही हूँ एक ज़बरदस्त कैफे वाला लुक, यानी जो आप रेस्टोरेंट से या पार्टी वगैरह में खाते हैं ना, जो ऊपर से एकदम कुरकुरे क्रिस्पी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कटोरी बेसन। इससे फिंगर ब्रेड रोल्स का लुक अच्छा आएगा और जब इसे हम फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा तेल भी ऑब्जर्व नहीं करेगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम गाढ़ा घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे ये फीका फीका सा नहीं रहेगा, और अच्छे से इसे मिला लेंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है और बहुत पतला घोल भी बनाकर तैयार नहीं करना है। इसे रख देंगे हम साइड पर। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ फिंगर ब्रेड रोल्स, यहाँ पर साथ में ले रहे हैं हम ब्रेड क्रम्स। सिंपल ब्रेड को लेकर तोड़ लीजिए और इसे मिक्सी में डालकर बारीक पीस लीजिए। बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब एक एक फिंगर ब्रेड रोल ऐसे उठाना है और बेसन के घोल में इस तरह से डिप करना है, जिससे ये बेसन के घोल में अच्छे से डिप हो जाए। फिर इसको हमें ब्रेड क्रम के ऊपर रख करके इस तरह से देखिए अच्छे से ब्रेड क्रम की इस पर कोट कर लेना है, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा और
सब पूछेंगे कि आपने इसे किस तरह से बनाया। बहुत ही टेस्टी, बहुत मजेदार बनकर तैयार होगा। घी हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे जिससे ब्रेड क्रम इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए, और इसे हम रख लेंगे एक प्लेट में। इसी तरह से सारे ब्रेड फिंगर रोल्स बनाकर तैयार करेंगे। अब कढ़ाई में तेल डालकर मीडियम आंच पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। तेल गर्म होने पर इसमें हम ब्रेड फिंगर रोल डाल करके अच्छी तरह से तल लेंगे। तो इसे ऐसे धीरे धीरे डालना है, और शुरू में इसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे और इसके बुलबुले कम हो जाएंगे तब इसे हम उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। बढ़िया से गोल्डन होने तक क्रिस्पी हम इसे फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करें, मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे जिससे ये अंत तक बढ़िया से सिक जाए।